नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिसेन न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक तरफ जहां राजनीति में बड़े बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं, अजीत पवार और शरद पवार में दो गुट गिरे हैं और मतभेद हो गया है, वहीं इसका असर तालुका पर भी पड़ने लग गया है। इसी के तहत जब वाकुली सर्कल में कई दिनों से राजनीति घुसपुस कर रही थी, इसका असर भाजपा के पूर्व जिला परिषद सदस्य ने विधायक समीर कुनावार को पहला झटका देकर तालुका की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। कई दिनों तक विधायक समीर कुनावार के करीबी माने जाने वाले शरद चहारी राष्ट्रवादी अजीत पवार के गुट में शामिल हो गए हैं और उन्हें जिले की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मंत्री तटकरे और प्रफुल्ल पटेल की उपस्थिति में दी गई। अजीत पवार समूह में शामिल होकर उन्हें जिले की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। अजीत पवार गुट तालुका में मजबूत ताकत के साथ सक्रिय हो गया है और जिला परिषद सदस्यों को जिला परिषद टिकट और चुनाव पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। अजीत पवार के राकापा समूह की नजर हिंगनघाट विधानसभा क्षेत्र में कई जिला परिषद सदस्यों या उम्मीदवारों पर है और कई को यही प्रस्ताव मिला है। फिर सवाल उठता है कि क्या तालुका में भविष्य की राजनीति बीजेपी और विधायक समीर कुनावार के लिए सिरदर्द तो नहीं बनेगा। कुल मिलाकर भाजपा को जोर का धक्का धीरे से लगने की तालुका में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। अजीत पवार के राष्ट्रवादी समूह द्वारा किए जाने वाली लॉबिंग मजबूत स्थिति में रहते विधायक समीर कुनावार के नेतृत्व वाली भाजपा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। बीसीएन न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट। मौदाती पॉइंट से केसलापुर मार्ग मौदा शहर से जानलेवा 4 किलोमीटर का मार्ग है। इस मार्ग से विविध कारखानों में काम करने वाले मजदूर दिन रात अपने दुपहिया वाहनों से आवागमन करते हैं। इसी मार्ग से एनटीपीसी में आने वाले भारी वाहन चलते हैं, जिस कारण इस मार्ग पर कई जगह बड़े बड़े जानलेवा खड्डे पड़े हैं, लेकिन सार्वजनिक बांधकाम विभाग इस खड्डे की दुरुस्ती के लिए नजरअंदाज कर रहा है। क्या इस खड्डे में किसी की जान जाने की बांधकाम विभाग राह तो नहीं दिख रहा? इस प्रकार का सवाल मौदा मन से युवा सेना के अध्यक्ष एडवोकेट मृणाल तिगरे ने बांधकाम विभाग को किया। इस खड्डे की तुरंत दुरुस्ती नहीं की गई तो मन से द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 या मार्गावरून केसलापूर या गावाकडे जाणारा हा 4 किलोमीटर लांबीचा रस्ता आहे आणि हा जो मार्ग आहे हा मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत येतो, परंतु मागच्या 1-2 महिन्यामध्ये या रस्त्यावर पावसाळ्यामध्ये एवढे खड्डे पडलेले आहेत आणि या खड्ड्यामुळे या मार्गावर बरेचदा अपघात झालेले आहे, परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभाग या मार्गाचे खड्डे बुजवण्याकडे नेहमीच दुर्लक्ष करीत आहे। मुख्य म्हणजे हा मौदा शहरातून जाणारा एक मार्ग आहे आणि NTPC मधून येणारी जी जड वाहन आहे याच मार्गाने आवागमन करत असतात, तर मौदा टी पॉइंट जवळ एक मध्यभागी फार मोठा खड्डा पडला आहे आणि या खड्ड्याकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला स्थानिक पत्रकारामार्फत 1-2 वेळा माहिती देण्यात आली, परंतु अजूनही 8 दिवस झाले तरी पण हा खड्डा अतिशय रस्त्याच्या मध्यभागी आहे आणि या ठिकाणी केव्हाही धोका होण्याची शक्यता असते, तरी बांधकाम विभागाने हा खड्डा बुजवावा अशी मौदा तालुका मनसेचे जे अध्यक्ष आहेत मृणाल तिगरे यांनी संबंधित विभागाकडे केलेली आहे। बीसीएन न्यूज के लिए मौदा से संजय गिरडे की रिपोर्ट। समुद्रपुर पुलिस ने गणेशपुर पार्थी बेड़ा में वॉश आउट अभियान चलाकर मोहादारू सड़वा सहित 1,15,000 रुपए के कीमत के सामान को नष्ट कर दिया है। थानेदार संतोष शेगावकर समुद्रपुर पुलिस स्टेशन का प्रभार संभालते ही अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले अनेक कार्रवाई से अवैध कारोबार करने वालों में काफी दहशत है। वही थानेदार संतोष शेगावकर ने पुलिस क्षेत्र अंतर्गत गावटी मोहा शराब उत्पादक क्षेत्र में वॉश आउट अभियान चलाकर हजारों लीटर मोहा शराब के साथ लाखों रुपए की सामग्री को नष्ट कर दिया है। थाना क्षेत्र में पुलिस ने अभियान चलाकर गणेशपुर पार्थी शिवारा में जमीन में गड़े 27 प्लास्टिक के ड्रम और लोहे के ड्रम में कुल 21,000 लीटर कच्ची शराब केमिकल ड्रम नष्ट किए हैं। यह कार्यवाही जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सागर कौड़े, उप विभागीय पुलिस अधिकारी रोशन पंडित के मार्गदर्शन और थानेदार संतोष शेगावकर के मार्गदर्शन में अरविंद येरुरकर, रवि पुरोहित, राजेश शिंदे, वैभव चढ़े ने की है। मिशन न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येरुरकर की रिपोर्ट। वाड़ी निवासी नितेश जंगले ने अपने फेसबुक पेज से भगवान के प्रति अभद्र व्यक्त करने के कारण वाड़ी शहर का वातावरण काफी समय तक बिगड़ गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार हिंदू
धर्म के आराध्य देवत भगवान श्री राम और बजरंग बली के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र रूप से विवादित बयान करने वाले वाड़ी निवासी नितेश जंगले को वाड़ी पुलिस ने हिरासत में लिया है। जंगले ने फेसबुक पर पोस्ट करने से समाज में टेढ़ निर्माण करने जैसा वातावरण हो चुका था। वाड़ी पुलिस स्टेशन में शनिवार सुबह 9 बजे से विविध पक्ष संगठना के सदस्यों द्वारा आक्रामक होकर थाने का घेराव किया। वाड़ी पुलिस स्टेशन में उपस्थित पुलिस उपायुक्त अनुराग जैन ने निष्पक्ष रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ऐसा आश्वासन दिया। विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग बल द्वारा इस मामले का निषेध दर्ज कराया गया। साथ ही आरोपी जंगले यह असामाजिक तत्वों से लिप्त है और उस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग जोर पकड़ रही है। गलत पोस्ट करने से हिंदुओं के धार्मिक आस्था को आहत हुई है। आरोपी के असामाजिक तत्व के ऊपर जल्द से जल्द कोई ठोस कार्रवाई करे जिससे उस पर लगाम लगे, अन्यथा बजरंग दल स्टाइल में उग्र आंदोलन करेंगे, ऐसी चेतावनी बजरंग दल ने ज्ञापन द्वारा पुलिस को दी है। हालांकि आरोपी नितेश जंगले को पूछने पर फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था या बयान किसी और ने लिखा होने की जानकारी दी है। पुलिस उस और से भी मामले की जांच करी है। वाड़ी निवासी आरोपी नितेश जंगले पर पुलिस ने आईपीसी धारा 295(1) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी जंगले को गिरफ्तार किया है। निषेध प्रदर्शन भक्तों द्वारा जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाए गए। पुलिस थाने का घेराव किया गया। जिले के विविध पुलिस थाने में अपराध दर्ज करने की मांग भक्तों द्वारा की गई है। बता दें कि नितेश जंगले हिंगना विधानसभा चुनाव में विधायक के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी से खड़े हुए थे। शहर में हुए विवादित मामले से वातावरण शांत रखने की अपील उपायुक्त अनुराग जैन, पीआई प्रदीप रायनवार इन्होंने की है। वाड़ी थाने में डीसीपी अनुराग जैन को ज्ञापन सौंपते समय केशव बांद्रे, आनंद कदम, संतोष केचे, दिनेश गोचे, दीपक दुधानी, नितेश गोडे, अखिलेश सिंह, जयंत वैद्य, किशोर कावरे, नितिन फटिंग, कमलाकर इंगड़े, गिरीश पांडे, मोहन पाठक, संतोष गुप्ता, मयांक राकेट, राजेंद्र यादव, प्रणय घाटोड़े, तिवारी, राजेश गिरी, कृष्णा मिश्रा, एमके शर्मा, मान सिंह ठाकुर, आनंद सिंह, कुमार टाले, महेंद्र मिश्रा, पद्माकर दुबे, संतोष दुबे, नितिन पटिंग, लता ठाकरे, कल्पना सखदेव, सरिता यादव आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। वाड़ी शहरा मध्ये एक मोबाइल वर सर्वांचा एक कमेंट्स जे आहे फेसबुक वर वायरल होता है आणि ते जे कमेंट्स केलेला आहे ते एका पक्षाचे जबाबदार आणि विधानसभेचे निवडणूक लढलेले सद्ग्रस्त आहे, त्यांना एवढी सद्बुद्धी राहायला पाहिजे होती, त्यांनी ते हेतुपुरस्पर केलं की लोकांच्या भावना भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि त्याच्यातून आपलं नाव मोठं करण्याचा प्रयत्न करत आहेत हे त्यांचं त्यांना माहीत आहे। पण जे काही त्यांनी कमेंट्स त्या आमच्या देवी देवताबद्दल केलं आहे त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो। आज आम्ही त्यांच्या विरोधात या ठिकाणी तक्रार नोंदवलेली आहे आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई हो अशी आमची सगळ्यांच्या सर्व पक्षाच्या लोकांची मागणी आहे। ते एका पक्षाचे जबाबदार पदाधिकारी असून सुद्धा त्यांनी या पद्धतीची वागणूक केली ही त्या पक्षासाठी निंदनीय आहे आणि त्यांच्यासाठी पण निंदनीय आहे। असे कृत्य समाजामध्ये राहून समाजात दुफळी निर्माण करण्याची जो प्रयत्न करते त्याच्यावर शासनाने कठोर कारवाई करावी आणि त्याच्यावर जर कठोर कारवाई या पोलीस स्टेशनला झाली नाही तर आम्ही वरच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत, पोलीस डिपार्टमेंटपर्यंत आणि गृहमंत्रालयापर्यंत या गोष्टीची सहनिशा करून त्याच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, जेणेकरून वाडीमध्ये आजपर्यंतचा इतिहास आहे कोणत्याही समाजात कोणत्याही धर्मामध्ये कधी भांडण झालं नाही आणि याच्यानंतर जर त्यांची इच्छा असेल की असं झालं पाहिजे तर हे समाजासाठी कुठंतरी हानिकारक आहे। वाडीच्या इतिहासामध्ये कधीही कोणत्या निवडणुकी असो की तो सामाजिक कोणतेही संघट कामं असो आणि कोणतेही सण असो मग धार्मिक असो सामाजिक असो या ठिकाणी कुठेही कधीही झगडा झाले नाही आणि या झगडा करण्याचा यांचा जर मानस असन तर त्यांनी हे आपलं जे कृत्य आहे हे याच्यानंतर कधी होऊ नये, याच्याकडनंच नाही याच्यानंतर कोणत्याही व्यक्तीकडनं, मग तो कोणत्याही धर्माचा असो, कोणत्याही संप्रदायाचा असो, कोणत्याही जातीचा असो, असं कृत्य कोणत्याही देवी धर्मा देवी देवताबद्दल किंवा महान थोर पुरुषाबद्दल झाले नाही पाहिजे याची सगळ्यांनी दक्षता घ्यावी ही विनंती। हिंदू देव देवताच्या बद्दल जी ही पोस्ट जी टाकली आहे ही चांगली टाकली आहे, त्याच्यामुळे हिंदू धर्माच्या भावना दुखावलेल्या आहे। त्यांनी ही जी ज्यांनी पण ही पोस्ट टाकलेली आहे त्याच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे। देवी देवता के ऊपर जो भी लोग गलत बातें कर रहे हैं इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए, इनको कम से कम एक साल के लिए इनको अंदर डालना चाहिए और दोबारा ऐसी कार्रवाई दोबारा ऐसा कोई कदम न उठाए ये मेरी मांग है।
जय हिंद जय महाराष्ट्र। कल रात को मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया कि जिसके अंदर में देवी देवताओं के बारे में गलत टीका टिप्पणी की गई है, उसके संदर्भ में हम लोगों ने उसका संज्ञान लेते हुए आज वाड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर में अपना निवेदन दिया और उनको बोला गया है कि जो कायदेसर कार्यवाही होता है वो कार्यवाही करे। और जैसे ये असामाजिक तत्व वाड़ी के अंदर में है जो आज तक कभी नहीं हुआ और इस तरह के कृत्य किए हुए हैं, उनके ऊपर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए किसके पीछे किसका हाथ है और क्या नियोजन से किया गया है। देवताओं के प्रति उन्होंने जो शब्द वापरे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। वाड़ी में अभी तक कोई भी समाज के प्रति या कोई भी इसके प्रति कभी किसी ने ऐसे अशब्द नहीं वापरे हैं। हम उन सबका निषेध करते हैं और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने पुलिस स्टेशन में उसका रिपोर्ट भी दिया है और हम यह सब महिला मिलकर यही चाहते हैं कि उसके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टर व्यवसाय की तरफ से ये जो देवी देवताओं के ऊपर में टीका टिप्पणी हुआ है, मैं प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि इस पर ऐसी कठोर कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना न घटे। मिशन न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट। हिंदी समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।